वरुणेश्वर महादेव आपको दर्शन करवाते हैं। वरुणेश्वर महादेव जी के जय नंदी महाराज, हर हर महादेव शंभो। हर हर गंगे जय माँ गंगे, हर हर गंगे जय माँ गंगे। सर्दियों में जलधारा कम हो जाती है। ओम नमः शिवाय दोस्तों, राधे राधे। मेरी नई वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। और आज मैं जा रहा हूँ, फिर से मार्केट जा रहा हूँ, क्योंकि आज पंजाब सिंध क्षेत्र में कुछ भंडारे का आयोजन है। आज का मौसम आम दिनों के अपेक्षा ज़्यादा ठंडा लग रहा है, क्योंकि आज बादल लग रहे हैं और पूरी तरह से धूप भी नहीं आई है। और चलते हैं अभी मार्केट की तरफ, देखते हैं आज क्या सेवा बनती है। राजा साहब को भोजन और दूध दे दिया है और गाय के लिए भी चारा डाल दिया है। सिखरेश्वर में भी मंदिर का काम चालू है और आज मिस्त्री आए नहीं, कोई काम पड़ गया उनको, एक दिन काम हुआ और अब कल आएंगे, फिर कल से काम चालू हो जाएगा। 5-7 दिन का काम है। नीचे फर्श डालनी है और दीवारों का पलस्तर करना है और फिर ले आएंगे पंचमुखी हनुमान जी को, वहाँ पर विराजित कर देंगे। और कलर भी करना है, आज कलर का भी रेट पूछ करके आऊँगा क्या रेट चल रहा है। ठीक है, ऐसे थोड़ी बहुत सेवा जितनी बन पाती उतनी कर लेते हैं। अभी मैं पहुँच चुका हूँ बसुंगा गेट पे और अब गाड़ी निकालेंगे और चलेंगे मार्केट। आज ज़्यादा सर्दी है, आज दस्ताना भी पहनना पड़ेगा हाथ में। मुझे लगता है उधर गंगोत्री साइड में कहीं पर बर्फ़ पड़ी होगी, इसीलिए यहाँ पर सर्दी बढ़ गई है। क्या कुछ नाम कहते होंगे। अभी पंजाब सिंध क्षेत्र से राशन ले लिए हैं और ये महाराज जी हैं, और महाराज जी को भी राशन मिल गया है। और अभी नीचे चलेंगे वरुणेश्वर मंदिर, वहां दर्शन करेंगे। ये महाराज जी नीचे वरुणेश्वर मंदिर में रहते हैं और सामने गंगा जी का सुंदर व्यूज है। ये है महाराज जी, ये जो जगह पड़ती है और ये सामने जो टनल एक आती है, खुली वाली टनल, उत्तरकाशी आते समय, और बड़े थी चुंगी बोलते हैं पुल जो बोलते हैं, बड़े थी चुंगी का पुल, वहीं से ही थोड़ी ही दूर पे लगभग 100 मीटर नीचे गंगा जी के किनारे पर ही ये सुंदर सी जगह मौजूद है, जिसको वरुणेश्वर मंदिर बोलते हैं, वरुणेश्वर महादेव। यहीं से ही वारुणी यात्रा निकलती है। जब वारुणी यात्रा होती है मार्च के समय में, उत्तरकाशी जो जिले की प्रसिद्ध यात्रा मानी जाती है, जिसमें वरुणावत जो पर्वत, अभी कोहरे की वजह से शायद दिख नहीं रहा होगा, वरुणावत पर्वत की परिक्रमा करते हैं वारुणी यात्रा के दौरान। और फिर यहीं से यात्रा निकलती है, फिर यहाँ से जाती है बसुंगा गाँव में, एक मंदिर है कंडार देवता का, और फिर उसके बाद में साल्ट में एक मंदिर है, फिर ऊपर सिखरेश्वर जाता है, विमलेश्वर, फिर लक्षेश्वर। ये जो यात्रा हो जाती है वारुणी यात्रा, और इसमें लगभग 10,000 लोग आते हैं। और जो ये संगम पड़ता है यहाँ, वरुणा नदी जो आती है ऊपर से, ऊपरी कोट से वरुणा नदी आती है और भागीरथी जी, ये दोनों नदियों का यहाँ पर संगम होता है, इसीलिए इसे वरुणेश्वर महादेव बोलते हैं। और महाराज जी जब से आए हुए हैं यहाँ पर विकास हो रहा है। देखिए, जैसे कुछ महात्मा लोग जिस भी जगह पर रहते हैं, वो जब से आते हैं तब से वहाँ पर विकास कार्य शुरू हो जाता है, ऐसे ही ऊपर बसुंगा गांव में भी जो कंडार देवता मंदिर है, वहाँ पर भी जो महात्मा रहते हैं, जब से वो आए हुए हैं तब से वहाँ पर विकास कार्य शुरू हो चुका है और एकदम सुंदर टाइल्स लग करके वो मंदिर बन चुका है। वो दिखाया भी था आपको वीडियो में पहले। और अभी भी देखिए, ये सामने जो वरुणेश्वर मंदिर दिख रहा है, और इसका भी विकास कार्य जब से ये आए हुए हैं तब से बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि मैं पहले भी आता था तो ये पूरा खंडहर की तरह लगता था, चारों तरफ खंडहर था। और अभी जब से ये आए हैं और भी भक्त लोग जुड़े हैं, ये जो सेट दिख रहा है नीला वाला, ये सेट बना,
और भी मंदिर का कलर शायद अभी अभी हुआ है कुछ दिन पहले। तो यही रहता है कि अगर हम जब ध्यान करते हैं और सेवा का भावना रहती है तो उस जगह का विकास होता रहता है। अगर हमारी भावना नहीं रहती है तो ऐसे पड़े रहते हैं, कोई जगह का विकास भी नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर विकास हो रहा है, तो जो भी चार धाम यात्रा के दौरान पैदल यात्री या संत महात्मा आते हैं वो अब यहाँ पर आराम से रुक सकते हैं। तो ये भी इनकी बड़ी सेवा हो गई, जो भी पैदल संत महात्माओं को रुकने के लिए एक अच्छी जगह बन गई है। यहाँ पर उत्तरकाशी के एक मटोड़ा जी हैं, उन्होंने यहाँ पर काफ़ी विकास कार्य करवाया है। और लोग विकास कार्य भी तभी करवाते हैं जब कोई अच्छा रहने वाला महात्मा रहता है, देखने वाला संभालने वाला रहता है, तभी लोग विकास कार्य करवाते हैं। ये वरुणेश्वर महादेव आपको दर्शन करवाते हैं, वरुणेश्वर महादेव जी के। जय नंदी महाराज, हर हर महादेव शंभो। ये हमारे वरुणेश्वर महाराज हैं, जस्ट यही मंदिर के बाहर से ही आपको भागीरथी माँ गंगा के दर्शन हो जाएंगे। त्रिवेणी संगम भी है, आइए जी। और कितना सुंदर हवन कुंड देखिए, कितना सुंदर हवन कुंड बनाया हुआ है यहाँ पर। ये हवन कुंड है, शायद इसका भी अभी अभी निर्माण हुआ है, हवन कुंड का। ये दो तीन रूम इधर है और एक रूम यहाँ पर है। और ये हॉल है, हाँ जी ये हॉल है, ये लो जी। अच्छा अभी चाबी से खोलेंगे, अच्छी व्यवस्था हो गई। देखिए ये हॉल, कुछ साधक आराम से यहाँ रुक सकते हैं, साधु संत जो भी यात्रा के दौरान आए तो यहाँ पर आराम से रुक सकते हैं। यही होता है, कहीं पर संत महात्मा रहते हैं तो व्यवस्था होती रहती है, और भी साधु संतों के लिए रहने की व्यवस्था हो जाती है। अभी ऊपर शायद बोल रहे थे किचन बना रहे, ऊपर वाला जो रूम है। और त्रिवेणी संगम चलते हैं, खूबसूरत दर्शन। अब आपको माँ गंगा के दर्शन भी करा देते हैं नदी से। हर हर गंगे जय माँ गंगे, हर हर गंगे जय माँ गंगे। सर्दियों में जलधारा कम हो जाती है लेकिन एकदम स्वच्छ जल रहता है गंगा जी का, और बरसात में तो ये पूरा भरा रहता है। यहाँ शनिदेव जी हैं, विराजमान है साक्षात शनिदेव। पूजा करो तो सामने ही मंदिर है, वरुणेश्वर मंदिर। और इस जगह पर आने के लिए आप जो सामने टनल दिख रही है, ये टनल, खुली वाली टनल, जैसे आप उत्तरकाशी आएंगे तो सबसे पहले ये टनल आएगी, और इसके बाद में भी एक टनल आती है, वो ज्ञानसू में पड़ती है। सबसे पहले ये टनल आएगी और यहीं से ही पास से यहाँ पर आने का रास्ता है। घाट का महादेव आ गया, ये महादेव जी को भी अभी इन्होंने स्थापित किया लगता है, क्योंकि पिछली बार आया था तो महादेव जी यहाँ पर नहीं थे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय शिव शंभो।